जी अब टेस्टिमोनी बता दें अपनी, इंजेक्शन वाली बाजी है ये जी, बोले। जी, मैं यूके मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ। यूके, तो ओके। मेरे भाई, जी, मेरे भाई ने 4 दफा फेल हो गया था ड्राइविंग लेसन्स में, और कोई चांस नहीं था कि वो इस दफा भी पास होता। तो जैसे आप कहते हैं ना कि आप भेजे जाते हो, तो वाकई ही मुझे अल्लाह ताला ने एक रास्ता दिखाया। आपकी वीडियो मेरे सामने आई और आप उसमें बता रहे थे कि कोई भी एग्जाम हो, कुछ भी हो, 6,000 दफा बिस्मिल्ला सुना दें बच्चे को, या सुन लें, या इस तरह से। तो सुबह टेस्ट था और फिर मैं उसके साथ गई, मैं अंदर बैठ के सुन रही थी आंखें बंद करके, और गोरे सारे जो जिनके बच्चे गए हुए थे वो आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ सुनने की तरफ था। और मैंने जहन में तसव्वुर जो मैं कर रही थी वो था वर्ड पास, मुझे वर्ड सिर्फ पास नजर आ रहा था, पास्ट पास्ट। जैसे ही वो फिनिश हुआ तो फिर मैंने सूरत यासीन मुबीन के साथ भी सुन ली उसको फिनिश करने के बाद। जैसे ही बाहर आई तो वो आ गए थे एग्जाम दे के, और उसने मुझे दूर से ही ऐसे थम दिखाया कि मैं पास हो गया हूँ। तो मुझे इतनी ज्यादा खुशी, वो खुद भी रोने लग गया। और नहीं, उसने सही मुझे बात है, इसके बताया अंदर बहुत बड़ा मिशन है। वो, यूके का ड्राइविंग जी टेस्ट पास हो गया, बहुत बड़ी बात होती है, इट्स अ बिग थिंग, नो जी डाउट बहुत अबाउट बड़ी इट। बात। और जो उसने मुझे बताया, मैं उससे, हम सब घर वाले भी बहुत हैरान थे। जैसे आप कहते हो ना कि आंखों पे पर्दा पड़ जाता है उस बंदे के, तो एग्जामिनर ने बोला कि पहले तो उसे नजर नहीं आया क्योंकि उसकी गाड़ी का जो स्पीड वाला मीटर है वो ही काम नहीं कर रहा था। तो उसने बोला कि अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा मीटर काम नहीं कर रहा तो मैं तुम्हारी गाड़ी में ही नहीं बैठना था। तो उसके बावजूद भी उसने उसको पास कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, शुक्रिया मेरा नहीं है, इल्म का शुक्रिया अदा करें, ये इल्म का शुक्रिया। दिस प्रोसेस इज़ प्रूवन, दिस मेथड वर्क्स, ठीक है ना बाजी, गुड हो गया, ठीक है ना, ये तो अच्छा हो गया। जी ओके थैंक यू इंजेक्शन, आप तो बाकी। इंशाल्लाह मैनचेस्टर आऊँगा कभी तो मुलाकात हो जाएगी, आप तो मेरे गांव के हो, जी जरूर, ठीक है ना। ओके बाजी, जी ओके, जी खुदा जी हाफिज़।